ये टमाटो का बना होता है? नहीं नहीं, ये चिली गार्लिक होती है, इसमें वेजिटेबल बहुत ज्यादा होते हैं। और ये कौन सा सॉस है? ये पेरी पेरी सॉस है। ये पेरी पेरी सॉस आ गया। और ये मस्टर्ड सॉस है, ये वाला मस्टर्ड सॉस आ गया इसमें। यार क्या जबरदस्त ब्लैक ऑलिव खुशबू है ना, ये ब्लैक ऑलिव अच्छी है। और ये ब्लैक ऑलिव आ गए, मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी है ना वो ये है, जो ब्लैक ऑलिव ये भाई लगा रही है इसके ऊपर। एलोपिनो, एलोपिनो आ गई। देखें ये फ्राइज आ गई, ये फ्राइज इसमें लगाएंगे। आ गए वीआईपी आए, मेरे हिसाब से प्राइस जो है बहुत ही मुनासिब है, मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। तो आज मैं आया हूँ जी बरकत मार्केट लाहौर में, गार्डन टाउन में बहुत ही मशहूर है ये बरकत मार्केट, जैसे कि आपको पता है। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिल सके। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है, जो लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं उनके लिए लव यू, और जो लोग नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे ही चलने दें। खान बाबा तवा पीस चाइनीज स्टीक्स एंड फास्ट फूड, तो ये है जी खान बाबा वालों का रेस्टोरेंट। आई थिंक ये खान बाबा की ब्रांच नहीं है इसका नाम, लेकिन खान बाबा शनवारी कढ़ाई। और ये देखें यहाँ पर खाबे जो हैं चल रहे हैं, ये सज्जी है। और ये देखें जी ये है खान बाबा तवा पीस, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इतने ज़्यादा ये चिकन के पीसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। देखें ये चीज़, ये अब मैं तवा पीस तैयार कर रहा हूँ। ये तवा पीस तैयार हो रहा है जी, खान बाबा रेस्टोरेंट है बरकत मार्केट में। यहाँ पे बहुत सारे फूड पॉइंट हैं, तो हम ट्राई करेंगे इनमें से अभी। ये देखें जी ये है खान बाबा तवा पीस, और ये चपाती बनाई जा रही है। तो पूरी एक फूड स्ट्रीट है बरकत मार्केट में। ये बन्नू बीफ पुलाव आ गया यहाँ पर, उसके बाद हैर खड्डा आ गया चुल्लू रोस्ट, और मेरे इस साथ पे देखें तो ये पैरी पैरी के साथ है जी किंग स्टीक्स एंड बर्गर। तो यहाँ पर चलते हैं और ट्राई करते हैं इनके स्टीक किस तरह के हैं। तो ये मैं आ गया हूँ जी लखानी बर्गर ग्रिल स्टीक, तो ये स्टीक जो है ये देखिए तैयार हो रहे हैं यहाँ पर। ये देखें ये चेक कर, ठीक ठाक अल्लाह मोहम्मद उस्मान। अच्छा उस्मान भाई क्या बना रहे हैं? ये मैं इस टाइम लोडेड फ्राइज बना रहा हूँ। अच्छा, तो इसकी क्या प्राइस है जी लोडेड फ्राइज? ये लोडेड फ्राइज 350। अच्छा, ये पूरी एक ट्रे जो है 350 जी, 350 चिकन ऐड करेंगे। चिकन ऐड होगा, इसमें ब्लैक ओलिव होते हैं, जेलोपिन होता है। क्या होता है आपके पास? इसमें स्टेक है, ग्रिल बर्गर है, ग्रिल सैंडविच है। अच्छा, स्टेक की क्या प्राइस है? स्टेक की है वो 430 प्राइस है। अच्छा, और ग्रिल बर्गर जो है? ग्रिल बर्गर 340। ये देखें जबरदस्त किस्म की, ये देखें लोडी फ्राई तैयार हो रही है हमारी। ये कौन सा सॉस आपने डाला? ये इसमें चिली सॉस है, मस्टर्ड सॉस है, पेरी पेरी सॉस है, बारबेक्यू सॉस है। अच्छा, ये येलो वाला पेरी पेरी है? ये येलो वाला मस्टर्ड सॉस है, व्हाइट वाला पेरी पेरी है, और ये बारबेक्यू सॉस है ऊपर। ये बारबेक्यू सॉस है जी। अच्छा जबरदस्त यार। तो ये है जी किंग स्टीक्स एंड बर्गर, और ये बहुत ही मशहूर है बरकत मार्केट में। इसकी लोकेशन जो है मैं आपको बाद में बताता हूँ, प्राइस जो है वीडियो के एंड में बताऊंगा। ये देखें ये चिकन स्टीक जो है इस वक्त तैयार हो रहे हैं। डिस्काउंट भी चल रहा है यानी क्या? ईएसआर डिस्काउंट। ठीक है, ये साथ में हमने जिंगर पीस रखा जी, ये फ्राइड पीस होता है जिंगर पीस। ये फ्राइड चिकन है जी, ये देखें जिंगर पीस ये वाला। अच्छा बॉस, ये कितने बजे तक टाइम होता है आपका? जो ये काम 7 से 8 बजे स्टार्ट होता है, उसके बाद तो आपको जगह भी नहीं मिलेगी इधर पैर रखने की। यानी कि मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया जी, आज थोड़ा सा जल्दी आ गए हैं अभी। तो आपने पहले ही बना के रखे हैं चिकन? ये हाफ डन वगैरह होता है ना, हाफ डन वगैरह साथ साथ कर लेते हैं, उसको बाद में फ्राई कर लेते हैं, बाद में ये ग्रिल पर तैयार हो जाता है। बाद में इधर हल्का सा सेक लगाते हैं। यानी कि आपने रश से बचने के लिए पहले तैयार करके रखे हैं जी, बाद में टाइम ही नहीं मिलता जब रश लगता है। ये देखें जी ये जबरदस्त किस्म की स्टीक तैयार हो रहा है। सिंधी बिरयानी है, सिंधी बिरयानी है ये चिकन वाली। ये देखें बिरयानी है, क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, यकीन करें तो मुँह में पानी आ गया ये बिरयानी देख के। देखें यहाँ पर बैठ के आप खा सकते हैं। आपकी सबसे जो मज़ेदार रायकेदार चीज़ है वो कौन सी है? स्टेक है, सैंडविच है, गैस खोल यार थोड़ी। सैंडविच और स्टेक चेंज करा, शूटर चेंज करा। ऑर्डर किस चीज़ का? स्टेक का ज़्यादा, स्टेक का, स्टेक है, ग्रिल सैंडविच है।
वो ब्रेड वाले सैंडविच क्या रहे हो? जी जी, ग्रिल पटोला सैंडविच है उसका नाम। अच्छा, ग्रिल पटोला सैंडविच है। जी ये देखें जी, ये चिकन को जो है इस तरह से, ये पहले दिल है, दिल ग्रिल चिकन जो है इन्होंने पहले ही बना के रखा हुआ है। और ये देखें, ये आप दिल है, ये कुकिंग देख रहे हैं लाइव की क्या रहे हैं सीन, जो के चिकन को ग्रिल किया जा रहा है स्टीक बनाने के लिए, सालसा सॉस पड़ा। और ये देखें, ये अब डालने को स्टेक सॉस। अच्छा, ये सालसा बताई जाए यार, स्टेक सॉस है ये, स्टेक सॉस आप डाल लें। अच्छा, ये टमाटो का बना होता है? नहीं नहीं, ये चिली गार्लिक होती है, इसमें वेजिटेबल बहुत ज्यादा होते हैं। स्पाइसी तो नहीं होता ये? नहीं नहीं, स्पाइसी नहीं, स्टेक सॉस है, नॉर्मल ही है। और ये कौन सा सॉस है? ये पेरी पेरी सॉस है, ये पेरी पेरी सॉस आ गया। और ये मस्टर्ड सॉस है, ये वाला मस्टर्ड सॉस आ गया इसमें। यार क्या जबरदस्त, ब्लैक ऑलिव खुशबू है ना, ये ब्लैक ऑलिव है, और ये ब्लैक ऑलिव आ गए। देखें, मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है ना, वो ये है जो ब्लैक ऑलिव ये भाई लगा रही है ना इसके ऊपर, एलोपिनो, एलोपिनो आ गई। प्राइस दो भाई, अब तो ये मैं खा कर ही आपको इसका लाया, इधर लाया रिव्यू करके कि इसका जायका किस तरह का होगा। तो लाया ना, तो ये बहुत ही जबरदस्त चीज लग रही है, ये स्टीक जो है, ये देखें ये फ्राइज आ गए, ये फ्राइज इसमें लगाएंगे आज, ये वीआईपी आए ये मिल जा रहे हैं, सारी बेची जा रही है, मान है मान मान, तो सारी बेची जा रही है। मेरे हिसाब से प्राइस जो है बहुत ही मुनासिब है, मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि ये कितने क्या प्राइस है इसकी, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना। ये कौन सा सॉस है? ये पेरी पेरी सॉस है, पेरी पेरी सॉस जो है वो गेन ही है भाई जो है इसके ऊपर डाल दें। ये लो, क्या ही जबरदस्त है, ये मस्टर्ड सॉस, ये मस्टर्ड सॉस आ गया इसके बाद बाड़ा। ओके, तो इसमें सॉस ही जो है बहुत ज्यादा, यानी कि देखने में बहुत, ये वाला बारबेक्यू सॉस आ गया। ऑर्डर जो है वो मेरा तैयार होकर आ गया, ये देखें, ये ज़बरदस्त किस्म की, ये देखें स्टीक आ गई गर्मा गर्म, ये देखें क्या ज़बरदस्त, ये देखें देखने में ऊपर कितनी ज़बरदस्त गार्निश की हुई है इन्होंने, फ्राइज हैं इसमें, चिकन है, और एक ये पीस नज़र आ रहा है, देखें ये है उसका जिंगर पीस है चिकन का। तो अभी मैं खा कर ट्राई करके आपको बताता हूँ कि इसका जायका कैसा है, तो अभी मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ कि टेस्ट में कैसा है। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है ये, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ज़बरदस्त यार, मज़ा आ गया। ये जो इन्होंने ऊपर सॉसेज इस्तेमाल किए हुए ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, यकीन करें। पहले मैं फ्राइज ट्राई करता हूँ, ये देखें फ्राई के साथ, ये देखें ये अल्पिनो है, और धुआं आपको नज़र आ रहा होगा इसमें से उठता हुआ, बिल्कुल फ्रेश है, गर्मा गर्म है, ये देखें। पहले मैं फ्राई ट्राई करके आपको बताता हूँ, कमाल है यार, यकीन करें मैं इनके पास फर्स्ट टाइम आया हूँ, और बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा आपको, ये नहीं है कि मैं तारीफ करूँ, जो चीज़ है वही आपको बताऊँगा। उसके बाद ये स्टीक जो है इसको पहले हम कट कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा पीस है ये, उसके बाद ये एक पीस लेते हैं जी स्टीक का, थोड़ी सी ये सॉस लगाते हैं, और ये मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। तो मैं अब जो है ना आपको इनका जो स्टीक है ना चिकन वाला, चिकन स्टीक जो है मैं वो ट्राई करके आपको बताता हूँ कि उसका जायका कैसा है। यकीन करें बिल्कुल सहा नहीं है, चिकन बहुत ज़बरदस्त है, और जायका भी अच्छा है, सॉसेज भी अच्छे हैं, बिल्कुल फ्रेश है। तो अब बारी आ गई है इसकी जिंगर की, जिंगर पीस जो आई है देखें चिकन का, काफ़ी बड़ा पीस है ये देखें, बड़ी अच्छी इन्होंने ऊपर इसको इसकी जो है गार्निश की हुई है, ये देखें सॉसेज लगाए हैं, ये है चिकन पीस, ये देखें
ये बिल्कुल फ्रेश है, ये देखें, देखने में बड़ा ज़बरदस्त है। तो प्राइस के हिसाब से बहुत ही मुनासिब डील है, ये रायका भी है और मियार भी अच्छा है इनका। तो जनाब यहाँ बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है, बरकत मार्केट फूड स्ट्रीट में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और स्टीक मैंने ट्राई किया है, यकीन करें कि लाजवाब और मज़ा आ गया, यकीन करें, और बहुत ही मुनासिब प्राइस, यानी कि 480 रुपीज़ में आप जो है वो इजीली खा सकते हैं, और इनके पास वैरायटी भी है और जायका जो था वो बहुत अच्छा है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, कभी आइएगा यहाँ बरकत मार्केट फूड स्ट्रीट में तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।